तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, यह वाक्य स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नमस्कार, मैं कबीर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामकृष्ण मिशन आश्रम में, जहाँ पे आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। और हम आपको बताएं कि आज हम कुछ युवाओं के साथ हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस पे कुछ युवाओं से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या कहेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस पे आप? राष्ट्रीय युवा दिवस ये स्वामी जी के जनन के इस राष्ट्र पे लाइए और राष्ट्र तक कम से कम फिक्स कीजिए, यही मतलब उनका क्या बोलते हैं पूरे जीवन में ये संदेश था। राष्ट्र कैसे भी हो निर्माण होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तो हम है, राष्ट्र नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप राष्ट्रीय युवा दिवस पे युवाओं क्या? युवा दिवस पे हम युवाओं को यही, चूँकि हम खुद युवा हैं तो एक हम ऐसे ही पानी में हैं, अभी उस पानी से निकले नहीं हैं, लेकिन हम यही शिक्षा देंगे कि जो भौतिक सभ्यता है, जो विदेशी कारण है, जो भौतिक सभ्यता पे जो आजकल के युवा घिर चुके हैं, उसको नकारना होगा, क्योंकि प्रशासनिक आज़ादी से हमें हर तरह की आज़ादी नहीं हो, हमें अध्यात्म की तरफ बढ़ना होगा। इस देश को अगर पुनर्जीवित करना है तो अध्यात्म की तरफ आना ही पड़ेगा, यही एक मूल मंत्र है। जब तक अध्यात्म हमारे शिक्षा में नहीं आएगा, हर चीज़ में नहीं आएगा, इस देश में केवल रुक रुक के ही विकास होंगे। आप कितने भी वेस्टर्न फिलोसफर्स को देख लो, लेकिन जब तक आप स्वामी जी को नहीं पढ़ोगे, आप बड़े बड़े जो महर्षि हुए हैं उनके बातों को नहीं पढ़ोगे, इस देश का उत्थान मुझे नहीं लगता है कि संभव हो पाएगा। जब तक हम लोग स्वामी जी को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, अध्यात्म को जीवन में नहीं उतारेंगे। स्वामी जी के विचारों को आप अपने जीवन में कैसे रखते हैं? पहली बात कि हर जीव में सिंह, ये विचार से मुझे लगता है कि हर चीज साफ हो जाता है। हर जीव में सिंह, जितने यहाँ पे दिख रहे हैं सब में सिंह है, ये विचार आ जाएगा तो अपने आप जीव के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, क्योंकि हर जीव में शिव का मतलब होता है, शिव जो हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवता हैं, हर जीव में अगर स्वामी जी शिव देखते हैं, मतलब जीवों के प्रति उन पे बहुत प्रेम था। तो अगर हर जीव में आप शिव देखते हो तो ऑटोमेटिक है कि आपको लोगों से प्रेम हो जाएगा, भगवान मानने लगोगे। एंड सर्विस इज गॉड, सर्विस इज मैन काइंड इज सर्विस टू द गॉड, यही स्वामी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वामी जी का पहले तो आज युवा दिवस के अवसर पर मैं स्वामी जी का जो जन्मदिवस है, मैं सत सत नमन करता हूँ स्वामी जी को। और स्वामी जी का एक कथन था कि जब उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक सफलता नहीं प्राप्त होगे। मैं स्वामी जी का बचपन से ही मुझे तो मैं पढ़ता हूँ स्वामी जी के बारे में, मगर थोड़ा सा हम लोग अपना स्टूडेंट लाइफ से चाहे अपना कंपटीशन में थोड़ा लगे हुए के कारण, मगर ये हमारा छोटा भाई है, फुआ का लड़का है, ये हमको प्रेरित करता था कि आप कभी चलिए मिशन में, थोड़ा हमको समय नहीं मिल पाता था, नहीं आ पाता। आप पहली बार आए हैं? हाँ, आज पहली बार आए हैं। कैसा लगा? हमको यहाँ आने के बाद यही लगा कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, स्वामी जी की राह पर चलिए, हम लोगों की ये ज़िंदगी बहुत गर्व से मिली है कि हम लोग ये ज़िंदगी पाकर कहाँ भटक जाते हैं हम लोगों को पता नहीं चलता, मगर आज हमको यहाँ आने से यही प्रेरणा मिली है कि स्वामी जी को इतना बार भी हम लोग सत सत नमन करेंगे वह भी कम ही पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी का अगर उपदेश पढ़ा जाए तो बहुत सारा उपदेश है, मगर उस उपदेश से मैं बहुत प्रभावित हुआ, मगर मुझे समय का थोड़ा सा के कारण मैं नहीं है, मगर हमारा यहाँ आने के बाद यही हमको दिखा कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, स्वामी जी के चरणों में ही सब कुछ है। आपका नाम? जी, मेरा नाम विशाल कुमार पांडे, मैं जगदम कॉलेज से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर युवा चरित्रवान होंगे तो निश्चित ही राष्ट्र का निर्माण होगा। स्वामी जी कहा करते थे कि मुझे अगर 100 युवा मिल जाएं तो मैं पूरे विश्व को हिला दूंगा। स्वामी जी के वस्त्र पर शिकागो के एक महिला ने जब सवाल कर दिया तो स्वामी जी ने कहा था, डियर मैडम, इन योर कंट्री ए टेलर मेक्स द पर्सनैलिटी, बट इन माई कंट्री कैरेक्टर एंड रिलीजन मेक्स द पर्सनैलिटी। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपका नाम? जी, रंजन कुमार। क्या कहेंगे आप? कहें स्वामी जी के बारे में मैं सुना हूँ और पढ़े भी हैं, यही कहते हैं कि स्वामी जी का एक प्रवचन दे रहे थे अमेरिका में, उन्होंने बोले थे कि जिंदगी में गरीब घर में पैदा लेना कोई गरीबी नहीं होता है, लेकिन गरीबी घर में पैदा होकर गरीब होकर मर जाना एक गलत बात है। तो मैं स्वामी जी का युवाओं के दिल के धड़कन है, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। हमारे साथ एक छोटा बच्चा है जो आपको आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम आपको बुक, क्या नाम है बहुत तुम्हारा? मैं नेम है सुमित कुमार, मैं इसमें पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये बहुत अच्छे है आश्रम, ये
स्वामी विवेकानंद गरीबों के मदद करते थे या और हमेशी हम लोग भी करेंगे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये छोटा बच्चा है जो अपनी बातों को सही ढंग से आप तक नहीं रख पाया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं से सारी बातें आप तक पहुंचाई। हमारे साथ कुछ रचना पर्वत जी हैं, आइए हम जानते हैं क्या कहेंगे। राशि जी, मैं रचना पर्वत फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया से हूँ। हमारा जो टीम है सिर्फ युवाओं का टीम है और हमारे प्रेरणा स्रोत आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। बस मैं यही कहना चाहूँगी युवाओं से कि लगन और जोश, बस लगन और जोश और उमंग के साथ कोई भी लक्ष्य के साथ चलिए, लक्ष्य पे चलिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति एक ना एक दिन जरूर होगी, भले देर से हो लेकिन दुरुस्त होगा। थैंक यू। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह, मैं सदस्य फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया। मैं युवाओं की सामाजिक टीम फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया से, हम लोग हमेशा स्वामी जी के ही प्रेरणा से काम करते हैं कोई भी काम। एक बार की बात है कि स्वामी जी बनारस में मतलब खेल रहे थे तो कुछ बंदरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया, तब स्वामी जी ने बिना कुछ देखे सुने भागना शुरू कर दिया। ठीक वो सब चीज़ देखकर एक साधु देख रहे थे उन सारी चीज़ों को, तो स्वामी जी से कहा कि देखो कभी भी काल को मतलब या फिर जो भी दुष्ट हो उन्हें देखकर भागो मत, उनका सामना करो। तो मैं इस माध्यम से सभी युवाओं को, और हम चूंकि युवाओं की सामाजिक टीम फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया से हैं, इस चीज़ से मैं बताना चाहूँगी कि कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, हम युवा हैं, हमें उन चीज़ों का सामना करना है, उनसे भागना नहीं है। धन्यवाद। जी मैं आज़ाद कुमार यादव, मैं इसी रामकृष्ण मिशन आश्रम का मेंबर हूँ और मैं इस स्वामी जी के बारे में मैं बहुत हद तक तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि शिव का दूसरा रूप है और शिव का ही रूप ये है, क्योंकि वो जीवों में ही शिव देखते थे। ये स्वामी जी बहुत, अब क्या कहा जाए आपसे, बहुत ही चरित्रवान और आध्यात्मिक। जीवन में कैसे देखते हैं स्वामी जी को? आदर्श रूप में हम देखते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का एक एक प्रकार का जीवन है जो कि मोटिवेट करते रहते हैं, हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को उनकी अनेक उपदेश, अनेक कोटेशन को पढ़ना चाहिए, जैसे कि एनीथिंग दैट्स मेक यू आर वीक इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल फिजिकल रिजेक्ट एज पॉइजन। विद्यार्थियों को जो आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो हानि करे उसे जहर की भांति त्याग देना, ये हमारे स्वामी जी का उपदेश है और इसी उपदेश पर हम लोग को चलना चाहिए। और युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि हम भी एक युवा हैं और हम ऐसे चलें, ऐसे डगर पर चलें कि मेरा राष्ट्र का निर्माण हो और मेरा पुनः ये भारत जागृत हो, क्योंकि भारत को जागृत करने के लिए यहाँ नहीं विदेशों तक ही गए हैं और इनका नाम इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में। ये कैसा ही फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया से हूँ और मैं बस इतना ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगी, मैं ये कहूँगी कि हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम इस भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारा ही एक ऐसा देश है जिसको हम माँ कह सकते हैं। लेकिन और किसी भी कंट्री में जाइए, वहाँ पे कभी भी हम किसी कंट्री वाले लोगों को, मतलब जो भी नाम रखे हैं, उसको माँ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी धरती को माँ कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के ही तरह थे भगत सिंह और भी वगैरह वगैरह हमारे क्रांतिकारी थे, तो सब थे उसी तरह। आज के डेट में हमारे छपरा डिस्ट्रिक्ट में एक मंटू कुमार यादव हैं जो कि IG हैं और इन्हें अवार्ड भी दे चुके हैं प्रवण मुखर्जी जी, और प्रवण मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे उन्होंने दिया है। तो ये ऐसे एक युवा है जो जिन्होंने मतलब 80-90-100 नहीं, इन्होंने इतने बड़े काम किए हैं कि आज के डेट में किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, या किसी भी गरीब को, बच्चे को कपड़े की ज़रूरत है, या कोई भी हो, तो मतलब कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज़रूर याद करते हैं मंटू जी को। मंटू, आप अपने जीवन में स्वामी जी को कैसे देखते हैं? मैं अपनी मतलब यही देखती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके लक्ष्य पे चलने के लिए हम यहाँ पे जब आए आश्रम में, विवेकानंद आश्रम में जब मैं पैर रखी और जब मैं गुरु जी से मिली, महाराज जी से मिली, तो मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई और मैं यहाँ के मतलब निःशुल्क सेवा डॉक्टर के प्रति, मैं पैरामेडिकल में भी जॉब करती हूँ, उसी के प्रति मैं और भी लोगों को उत्साहित करती हूँ, उनको ट्रीटमेंट भी करती हूँ अपनी तरफ से। और साथ में मैं मंटू भाई जी से जब मिली तो मैं फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया भी ज्वाइन की और आज के डेट में लक्ष्य में मैं अभी तक 6 महीने में 4-5 अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हूँ। ये थे हमारे साथ युवा, और भी युवाओं से बात करेंगे। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं इस आश्रम के सचिव, हमारे साथ हैं, आइए, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और स्वामी जी का आज जयंती है, उनके जीवन पर प्रकाश डालने की
आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम सारण जिला के सारे युवक युवतियों को बुलाए थे यहाँ, क्योंकि हम इन लोगों से काम करता है और इन लोगों के एक ही चीज़ हम बताते हैं कि जी स्वामी विवेकानंद के जीवन में सब कुछ पॉजिटिव है। आप लोग जो भी चीज़ देखे हैं पॉजिटिव चीज़, उनके जीवन में नथिंग इज नेगेटिव, तो उनका जीवन का जो आदर्श है, हम छोटे छोटे वाक्य में प्लेकार्ड में इधर उधर हम दे देते हैं, दिया है इन लोग को, बताते भी है, इन लोगों को क्लास भी लिया है, जे ये लोग अपने मैंने जीवन में इसको उतार ले और काम करे और देश के लिए आगे पीछे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इन मत सोचो, इसका आदर इनके आदर्श पर काम करते चलो, कुछ ना कुछ मिलेगा। आज देखिए छोटा सा आश्रम, इस छोटा सा आश्रम कितने तरह तरह के काम करे, हम लोग तो कर ही रहा है, साथ साथ इन लोग भी हमारे साथ जुड़ के विभिन्न जगह में विभिन्न गाँव में विभिन्न क्षेत्र में ये लोग काम कर रहा है, सब कहीं ना कहीं स्वामी जी का ये लोग टच में रख के काम करता है। तो यही हम चाहेंगे आज के युवक, आज के जो यूथ ग्रुप है, इन लोग पॉजिटिव भावना ले लें और स्वामी जी का छोटे छोटे किताब को पढ़ो, पढ़ के एक 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 वाणी को अपना लो, लेकर आगे बढ़ते चलो, कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए उपकार होगा ही होगा। और हम स्वामी जी फोरकास्ट करके गए थे जब 1947 में उन्हें बोले थे ये हम लोग 50 साल लग जाएगा आज़ादी मिलने के लिए, क्योंकि आदमी तैयार करना है, पहले आदमी तैयार करना है, तो उस प्रकार वो ये और एक चीज़ फोरकास्ट किए थे, शूद्र जागरण जब तक नहीं होगा तब तक देश का उन्नति नहीं होगा। आज देखिए शूद्र जागरण हो रहा है, शूद्र जागरण उन्होंने ही बता के गया है। और एक चीज़ बता के गया था जो भारतवर्ष इस बार सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल केंद्र होगा, क्योंकि आज चाइना हमारे सामने आया, अमेरिका चाइना सामने आएगा और चाइना के फिर हम लोग ओवरकम करके हम लोग सेंट्रल पार्ट हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड का। ये स्वामी जी का सपना था और हम लोगों को विश्वास भी है एक दिन समय आ रहा है भारतवर्ष विल बी सेंट्रल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये स्वामी जी का मैंने सपना है। और ये सपना पूरा करने के लिए हम लोग आज देखिए ये कुछ लालच हम नहीं दिखाया, ये सारे आज 300 आप लोग खुद देखे हैं कि 300 यूथ प्रेजेंट था वहाँ पर और सब लोग सुने हैं, खुशी से सुने हैं, सब अपना अपना पार्टिसिपेट किया है, सुने हैं, प्रसाद लेंगे जाएंगे, फिर हमसे जुड़ेंगे, फिर साल भर हम इधर ना उधर कुछ काम करते ही रहेंगे इन लोगों के साथ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो आप सारण के युवाओं को और देश के युवाओं को क्या संदेश? हम एक ही संदेश देंगे भाई, दुनिया ये जो जगत है बहुत सारे चीज़ों में भरा हुआ है, ये टेम्पटेशन का जमाना आ गया है सामने, इसमें मात बोलो, डिस्क्रिमिनेशन सीखो युवाओं का, हमसे डिस्क्रिमिनेट करो जो कौन भला है कौन बुरा है, ये डिस्क्रिमिनेट करना हर समय डिस्क्रिमिनेट विचार 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 बुद्धि के द्वारा विचार करके जो अच्छा चीज़ है उसको लेना और जो मैंने बुरा चीज़ है उसको बात देना, ये हम चीज़ बोलेंगे। ये स्वामी जी बार बार बोलते थे जो वेस्टर्न कंट्री है उनका जो अच्छाइयाँ है और हमारे जो अच्छाइयाँ हैं, ये दोनों को कंपाइल करके एक नया कल्चर निर्माण करेंगे। तो हम हमारे देश का युवाओं को ये भी बोलेंगे कि आप लोग जो चीज़ सामने आ रहे हैं उसको तुम विचार करो, विचार करने के बाद एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके उसको रिबिल्ड करो, ये हमारा उपदेश नहीं, ये हमारा प्रार्थना है सारे युवा युवती के पास, ये काम करने से हमारा देश सुधरेगा, हमारा छापरा एक मैंने घर घर से सुधार होगा तो चैरिटी बिगिन्स एट होम, अगर पहले हम लोग घर में सुधार होंगे उसके बाद मोहल्ला में उसके बाद गांव में उसके बाद शहर में उसके बाद देश, इसलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे स्वामी जी को सामने रख के। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ रामकृष्ण आश्रम के सचिव, हमारे साथ कुछ युवा और हैं, आइए जानते हैं जी आपका नाम। जी मैं ऐश्वर्या भारती फेस ऑफ फ्यूचर की सदस्य हूँ और आज युवा दिवस के इस पावन अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पेश करती हूँ अपना। हम युवा हैं, हम युवा, हर तरंग हर उमंग युवा, हम युवा हैं, हम युवा, हर जिंदगी की धड़कने युवा, हम युवा हैं, हम हैं वो युवा, पूरी दुनिया का दर्द जिसमें है समा, हर दिन की कश्मकश से परे ना था युवा ना और है युवा, आरजू लिए और जुस्तुजू किए चल चल पड़े कठिन राह पर युवा, टूट कर गिरे चाहे वो लाखों मुसीबतें,
अब नहीं रुकेंगे ये युवा, हम युवा हैं हम युवा, आने वाले सुनहरे पल के हम युवा, हम युवा हैं हम युवा, नई सुबह के हम युवा। और जाते जाते एक छोटा सा बात और मैं और कहना चाहूँगी कि हे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे दाता, अगर मेरी कविता यही तुझसे मांगे है कि आज की ये युवा पीढ़ी संभल के कल विवेकानंद हो जावे। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मकेशर पंडित हुआ और मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम में आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर संगोष्ठी में पार्टिसिपेट किया और आज मैंने अपने अंदर के अहंकार और कमजोरियों को दूर करते हुए एक नया पॉजिटिव पावर को मैंने सीखा है और एक आज हमने संकल्प भी लिया है युवा होने पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर, कि मैं हमेशा स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर काम करूंगा पूरे साल, क्योंकि हर साल ये युवा दिवस मनाया जाता है, युवा पुरुष स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है ताकि हम युवा कहीं डाइवर्ट ना हो जाएं अपने युवा पावर से, अपने युवा आदर्श से। तो आज मुझे ये संकल्प मिला है और मैंने खुद से संकल्प लिया है कि हमेशा समाज के लिए काम करूँगा और पहले से भी मैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे काम करते आ रहा हूँ और मैं फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया छपरा शहर के ये जो संस्था है इससे भी जुड़कर मैं जन कल्याण का काम करता हूँ। जी, धन्यवाद। जी, हमारे साथ यहाँ पे जो रामकृष्ण आश्रम है यहाँ पे स्कूल चलता है उसकी शिक्षिका हमारे साथ हैं जो आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, क्या कहेंगे? नाम बोलो। मेरा नाम तबस्सुम है और मैंने MSc किया है और यहाँ पे मैं करीब 8 साल से यहाँ पे मैं सेवा दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सभी वर्ग के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, गरीब घर के बच्चे, जिसको यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जिसमें बच्चों को शिक्षा से लेकर के कंप्यूटर और संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे बहुत खुश रहते हैं, फिर शाम के समय उन लोगों को खाने के लिए भी मतलब नाश्ते के रूप में मिलता है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और यहाँ पे हम लोगों को पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैं 8 साल से यहाँ पे सेवा दे रही हूँ। ये थी शिक्षिका जो 8 साल से यहाँ पे सेवा दे रही हैं। हमारे साथ दीपू कुमार हैं जो क्या अच्छे जी बोलिए जी। मैं सारण जिला के निवासी हूँ और मेरा घर लालपुर है, ग्राम लालपुर पोस्ट एकमा थाना माझी जिला छपरा के निवासी हूँ और मेरा नाम है खुशबू कुमारी और मैं यहाँ घूमते घूमते अपने मतलब यहाँ कुछ काम था छपरा ज़िले में और काम करके मैंने सोचा कि कुछ घूमने के लिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस है तो हम जाएं मतलब स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम को देखें और कुछ सोचे समझे अच्छा कुछ सीखें और मतलब स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, मतलब स्वामी विवेकानंद जी का जयंती आज राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। वो एक बहुत महान थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किए। वो अपने गुरु रामकृष्ण मिशन के अपने उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे वो अपना आश्रम खुलवाए, अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन खुलवाए आश्रम। उसके बाद मतलब जो शिकागो सम्मेलन हुआ उसमें मतलब अपने देश से, भारत देश से यहाँ से गए शिकागो सम्मेलन में और वहाँ जाकर भाषण दिए जो कि वहाँ के जितने भी हर जगह के लोग आए थे उसमें सबसे एक नंबर स्थान पे आए, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आया। वहाँ हर अपने अपने पूरा देश के लोग अपने अपने पुराण लेकर गए थे और जाकर वहाँ लेकर गए थे तो हमारे देश का जो महाभारत भगवत गीता है उनको सब लोगों ने नीचे रख दिया और क्या किया कि और सब लोग जितना लोगों का था वो ऊपर कर दिया। उसी बात पे उन्होंने बोला देखिए मेरा मतलब जो महाभारत भगवत गीता है वो कितना महान है कि मतलब ये इतने सारे लोगों को अपने ऊपर अपने सिर पर रख कर और ढो रहा है, मेरा कितना महान है भगवत गीता कि मतलब यही कहने का उद्देश्य है कि स्वामी विवेकानंद जी थे उनका वो राष्ट्रीय युवा तो थे ही लेकिन मतलब वो आप एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अपना मतलब वो अपना शादी नहीं किए थे और मतलब देश की सेवा में लगे रहे और देश की सेवा करने किए। उसके बाद मतलब देश की सेवा में ही अपने जीवन को त्याग दिए और मतलब वो हर लोगों को यही शिक्षा देते थे कि मतलब हर कोई अपना जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले तब
तब तक मतलब वो रुके नहीं, जो जगह है वो उठ गया, जो जगह है सो उठ गया। उठने के बाद वो कब तक नहीं रुके जब तक कि उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सके। इसलिए मतलब जो भी है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, उसके बाद ही उनको रुकना चाहिए। और इतने ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद राष्ट्रीय युवा दिवस के। जय हिंद। हमारे साथ जो युवा है आप उनकी उत्सुकता देख सकते हैं। छपरा टुडे ने मौका दिया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस पे युवाओं को अपनी बातों को रखने का, आगे भी हम आपको मौका देंगे। हमारे साथ अंतिम वक्ता है और दीपू कुमार हैं और वो कुछ राष्ट्रीय युवा दिवस पे गुनगुनाना चाहते हैं। जी बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने आज रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी का गुणगान किया है जो इस प्रकार है। नमो नमो गुरु विवेकानंद, नमो नमो गुरु विवेकानंद, नमो सिद्धेश्वर विवेक भास्कर, नमो सिद्धेश्वर विवेक भास्कर, विश्व मानव हृदयानंद, नमो नमो गुरु विवेकानंद, छात्र वीर्य ब्रह्मा ज्ञान भक्ति, छात्र वीर्य ब्रह्मा ज्ञान भक्ति, प्रेम भी है महान, छात्र वीर्य ब्रह्मा ज्ञान भक्ति, प्रेम भी है महान, गाते अति मधुरा मधुरा मधुर गाए राम कृष्ण दूतमान, नमो सिद्धेश्वर विवेक भास्कर, विश्व मानव हृदयानंद, नमो नमो गुरु, नमो नमो गुरु, नमो नमो गुरु विवेकानंद। थैंक यू, थैंक यू। ये थे हमारे साथ दीपक कुमार जी, दीपू कुमार जी हमारे साथ थे। हमारे साथ एक और युवा हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, आप तक आइए जल्दी से। सर्वप्रथम मेरा नाम कुमार मलय नीरव और मैं युवाओं के बारे में यही कहना चाहूँगा इंग्लिश में। ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ओके, थैंक यू। जय हिंद जय भारत। थैंक यू, थैंक यू। राष्ट्रीय युवा दिवस पे आप सुन रहे थे युवाओं को। छपरा टुडे की अपने शहर से जुड़ने के लिए तमाम खबरों के लिए आप जुड़िए chapratoday.com के साथ। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। chapratoday.com की टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।